नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में पुनरावर्तन 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर है, मनुष्य पर्वत पहाड़ को तोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह बदल सकता है, धरती से कीमती चीज़ें निकाल सकता है और धरती तथा अंबर को जोड़ सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से असंभव काम भी कर सकता है। प्रश्न 2 है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उत्तर है, बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करने की तमन्ना रखती है। बेटी पढ़ लिख कर स्वनिर्भर बनना चाहती है। प्रश्न 3 है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर है, सब लोग प्रामाणिकता से अपना कर्तव्य करें और भ्रष्टाचार से दूर रहे तो राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 4, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा अपने माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। उस स्त्री के बेटे में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना है, इसीलिए चौथी स्त्री का बेटा जो है उसे सचमुच हीरा कहा जाता है। प्रश्न 5, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो बच्चों, यहाँ उत्तर है, मैं अपने घर में माता जी को रसोई घर में मदद करती हूँ। माता जी को जो चीज़ मुझसे मंगवाती है उसे मैं देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, घर की चीज़ें यथास्थान रखती हूँ, घर साफ करने में मदद करती हूँ, कपड़े लेकर अलमारी में रखती हूँ। प्रश्न 6, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें यह सीख दी है कि हम अपने शासन के कायदे कानूनों का पूरी निष्ठा से पालन करें, शासन व्यवस्था में हकारात्मक अभिगम रखें, देश को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें। आगे बच्चों, प्रश्न 2 है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ रूपरेखा दिया गया है बच्चों, इसके आधार पर हमें क्या करना है, कहानी बनानी है। देख, यहाँ एक चरवाहा जंगल में बकरियाँ चराने जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िए के आना, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी को गाना गाने की इच्छा, मैं करना, आवाज़ सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना, भेड़िए का भाग जाना, बकरी की जान बचना। सीख, कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों, यहाँ शीर्षक क्या होगा, तो चतुर बकरी यानी मूर्ख भेड़िया, दो हो सकता है, चतुर बकरी यानी दूसरा मूर्ख भेड़िया। तो बच्चों, एक रामपुर नाम का बड़ा सा एक गांव था। इस गांव के नज़दीक एक जंगल था। गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा भेड़ बकरियां रखता था। चरवाहा रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में चराने जाता था। एक दिन चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था। इसी समय एक बकरी जो है वो दूर
बकरियों से अलग होकर थोड़े दूर चारा चरने निकल गई। वह चारा चर रही थी, इसी समय वहाँ एक भेड़िया जो है वो आ जाता है। बकरी देखकर भेड़िया जो है वो भेड़िए को उसे खाने की इच्छा हो जाती है। बकरी को देखकर भेड़िए को उसे खाने की इच्छा हो जाती है। भेड़िए ने बकरी से कहा कि बकरी, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। बकरी ने जवाब दिया, भेड़िए भाई मुझे खाना हो तो खाओ, लेकिन क्या कहता है कि मेरी आपसे एक विनंती है। बकरी जो है भेड़िए से कहती है कि मेरी एक विनंती है, मुझे खाना हो तो खाए, लेकिन मुझे गाना बहुत पसंद है, मैं एक गीत गा लूँ, बाद में मुझे खा जाना। इसी समय भेड़िया जो है वो मूर्ख था, वह बकरी की बात में आ गया और बकरी एक ऊंची जगह जाकर जोर से मैं बोलने लगी। बकरी की आवाज़ सुनकर चरवाहा जो है वो लाठी लेकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। चरवाहा को लाठी लेकर आता देखकर भेड़िया जो है वो भय के मारे भाग गया। बकरी की चतुराई से उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपत्ति के समय चतुराई से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ जो यह कहानी है, इस कहानी से माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी भी आपत्ति आए, इस आपत्ति में हमें अपनी बुद्धि और चतुराई से अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि बकरी जो है वो बकरी अपनी चतुराई से वो क्या करती है, अगर वह भेड़िया खा जाता, लेकिन बकरी अपनी बुद्धि और चातुर्य की वजह से वह सोचने लगी और वह गीत गाने के लिए भेड़िए को बता रही है। और जब वह मैं करती है तो इसी आवाज़ सुनकर वह चरवाहा उसके पास आ जाता है और चरवाहा की वजह से बकरी की जान बच जाती है। तो हमें किसी भी मुश्किल में अपने मुश्किल समय क्या करना चाहिए, अपनी चतुराई से काम लेना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है। तीसरा है प्रश्न 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ क्या है कि हमारे विद्यालय में जो प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देते हुए अपने मित्र को यह पत्र लिखना है। यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 35 सत्यनारायण सोसाइटी पूना गांव सूरत, दिनांक 31/1/2021। प्रिय सखी रोही सप्रेम नमस्ते। आगे लिख सकते हैं बच्चों के, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि वहाँ आप सभी कुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं इस पत्र में तुम्हें प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देती हूँ। आगे 26 जनवरी हमारा प्रजासत्ताक दिन है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश भारत को लोकतंत्रीय गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, यह हम सभी उसे प्रेम से मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन शिक्षण संस्थाएं और सरकारी दफ्तरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राजधानी दिल्ली में सरकारी मकानों पर तिरंगा फहराया जाता है। तीनों सेनाओं की परेड होती है, हमारे राष्ट्रपति उसकी सलामी लेते हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री का संदेश भी पेश किया जाता है। रात के समय शहर की इमारतों पर रोशनी होती है। प्रजासत्ताक दिन यानी 26 जनवरी हमारा पवित्र पर्व है, इससे हमें त्याग बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। इस दिन हम भी देश की आज़ादी के काम करने की प्रतिज्ञा करें। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम।
छोटे भाई बहन को मेरा प्यार, तुम्हारी सखी, उसके बाद अपना अपना नाम लिखना। तो बच्चों इसी प्रकार अपने विद्यालय में जो मनाए प्रजासत्ताक दिन है उसके बारे में जानकारी देते हुए अपने मित्रों को यह पत्र लिखना है। प्रश्न चार, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। पहले जो शब्द आता है और उसके बाद जो शब्द आता है बच्चों, यहाँ हमें क्या करना है, लिखना है शब्दकोश के अनुरूप। तो यहाँ गांव है, गांव के पहले क्या आता है बच्चों, गांधी, और यहाँ आता है घास। उसके बाद दूसरा है कसाई, कसाई के सामने आता है कसवाना, और यहाँ पीछे क्या आता है, कसाना। तीसरा है हास्य, यहाँ आएगा पहले हासद और उसके बाद हाहाकार। चौथा है अभ्यस्त, यहाँ आएगा अभ्यर्थना और उसके बाद आएगा अभ्यागत। पांचवा है समुदाय, समुदाय यानी पहले शब्द आएगा समुच और उसके बाद आएगा समुद्र। तो इसी प्रकार क्या करना है, शब्द को की सहायता लेनी है और शब्द जो पहले और इस शब्द के बाद लिखना है। प्रश्न पाँच, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं बच्चों, तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करके यह शब्द लिखना है। नर्मदा, क्या, भय, थोड़ा, जिसको, सेना, हम, ज्यादा, सुंदर, अग्नि, सातवा, मनुष्यता, कई, तीनों, यह, मोटा। तो बच्चों यहाँ संज्ञा शब्द जो है, तो संज्ञा शब्द क्या आएगा, भय आएगा। यहाँ संज्ञा शब्द में आएगा नर्मदा, उसके बाद आएगा भय, यहाँ आएगा सेना, उसके बाद अग्नि और मनुष्यता, ये संज्ञा है। उसके बाद बच्चों सर्वनाम, तो सर्वनाम में क्या आएगा, यहाँ क्या, उसके बाद हम, यहाँ जिसको भी आएगा और यह, ये है सर्वनाम। अब जो बाकी है शब्द बच्चों क्या है, विशेषण, तो विशेषण में क्या आएगा, थोड़ा, उसके बाद ज़्यादा, यहाँ सुंदर, सातवा, कई, तीनों, मोटा, ये शब्द जो है बच्चों क्या है, विशेषण। तो इसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम विशेषण बताना है। संज्ञा में भय, नर्मदा, सेना, अग्नि, मनुष्यता, सर्वनाम में क्या है, हम, जिसको, यह, क्या, और विशेषण में क्या है, थोड़ा, कई, तीनों, मोटा, सुंदर, सातवा, ज्यादा, ये है विशेषण। तो इसी प्रकार वर्गीकृत करना है। प्रश्न छः है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला है, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। धरती यानि धरा, धीर यानि धैर्यवान। उसके बाद यहाँ बच्चों काल यानि समय होता, थाम यानि रोकना। तो हे मनुष्य, तू धरती जैसा धैर्यवान है, अग्नि जैसा वीर है, अगर तू चाहे तो समय को भी रोक सकता है, तो सबसे महान है। एक बार फिर से बच्चों देख लेते हैं, हे मनुष्य, तू धरती जैसा धैर्यवान है, अग्नि जैसा वीर है, अगर तू जो चाहे तो समय को भी रोक सकता है, तो सबसे महान है। दूसरा है, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। निज के लिए अपने आप, यहाँ बच्चों आह्वान यानी ललकार। तो यहाँ इस पंक्ति में कहा गया है, हे मनुष्य, तू अपने आप को जान,
हे मनुष्य तू अपने आप को जान, तुम्हारे पास बहुत ही शक्ति है, तेरी वाणी में युग का ललकार है, तू अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता है। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं, हे मनुष्य तू अपने आप को जान, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है उसे पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, ललकार है, तू अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता है। तो बच्चों, हमने पुनरावर्तन 1 के सभी प्रश्नों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। सभी प्रश्नों नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में इकाई 6 मालवजी फौजदार एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोल कर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्रप्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, मालवजी फौजदार एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम जो है वो प्रस्तुत किया गया है। साथ में क्या है, तो मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्रप्रेम को भी उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक जो है वो तानाजी, इस तानाजी की स्वामी भक्ति को भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। और देखो बच्चों, पहला दृश्य है स्थान, शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। 5 किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर थे। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी इन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो बच्चों, पहला दृश्य है स्थान जो है शिवाजी का शयन कक्ष, आराम गृह है। तो वहाँ क्या है, एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी जो है वो एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी का एक चित्र जो है वो लटक रहा है। 5 किशोर आयु का मालवजी जो है वो हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर थे। हत्या यानी बच्चों क्या होता है, मारना, तत्पर यानी तैयार होता है। शिवाजी भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते हुए उठ बैठते हैं। शिवाजी क्या करते हैं, अचानक एक भयानक स्वप्न देखता है और स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते हुए उठ बैठता है। मालवजी इन पर वार करता है। बच्चों, यह वार करना यानी मुहारे का अर्थ होता है हमला करना। तो मालवजी उन पर हमला करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते ही रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ मराठा साम्राज्य के मालिक शिवाजी जो है वो सो रहा है। यहाँ भवानी माता का चित्र जो है वो लटक रहा है। यहाँ तानाजी है, यहाँ मालवजी। वो क्या करता है कि शिवाजी का वध करने के लिए आया था और वह वध करने के लिए जा ही रहा था, इसी समय वहाँ तानाजी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी समय क्या होता है, तो शिवाजी जो है वो प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखता है। बच्चों, हम चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं।
शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो? वत्स, वत्स यानि पुत्र। शिवाजी जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है तुम कौन हो पुत्र? बालक कहता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। बालक वीरतापूर्वक क्या कहता है? मेरा नाम मालव जी है। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि शिवाजी के सेनानायक का नाम क्या है? शिवाजी के सेनानायक का नाम क्या है? तो तानाजी है। उसके बाद शिवाजी का वध करने कौन आया था? तो शिवाजी का वध करने के लिए कौन आया था? तो मालवजी नामक एक युवक आया था। आगे देखो, शिवाजी गंभीर स्वर में, स्वर यानि आवाज में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा? शिवाजी क्या कहते हैं? गंभीर स्वर से कहता है, मालव जी तुम जानते हैं अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना पड़ेगा? मालव जी निर्भयतापूर्वक कहता है मृत्यु। मालव जी निर्भयतापूर्वक बोलता है, क्या कहता है? कि मृत्यु दंड देगा। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी मालव जी से कहता है कि मृत्यु दंड देने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। मालव जी कहता है, वह क्या है? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, उससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी जो है वो मालव जी से कहता है कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम एक वीर पुत्र हो और सत्यवादी हो। सत्यवादी यानि सत्य के पथ पर चलने वाला, जिसे कहा जाता है सत्यवादी, उससे मुझे आशा है कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है कि मालव जी कैसा लड़का था? तो मालव जी वीर और सत्यवादी लड़का था। मालव जी कहता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, उसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। शिवाजी कह रहा है, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी जो है वो मालव जी से प्रश्न कर रहा है कि युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी कहता है, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? हानि यानि नुकसान। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? शिवाजी मन ही मन सोचता है, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? बच्चों यहाँ चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, शिवाजी जो है वो शिवाजी मालव जी से प्रश्न कर रहा है कि मैंने कोई आपको हानि पहुंचाई है या कोई कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कभी मैंने धब्बा लगाया है जिसकी वजह से तुम मुझे मारना चाहते हैं? बच्चों यहाँ एक प्रश्न होता है कि अपनी हत्या के बारे में शिवाजी कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की थी? अपनी हत्या के बारे में शिवाजी कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की थी? तो अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने ये शंकाएं व्यक्त की कि उन्होंने मालव जी को कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की होगी अथवा राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया होगा जिसकी वजह से वह मुझे मारने के लिए तैयार है, वह शंकाएं व्यक्त की थी। मालव जी कहता है, महाराज यह सब कुछ नहीं है। शिवाजी, फिर तुमने मन में क्या बात थी? मालव जी क्या कर रहा है कि महाराज यह सब कुछ नहीं है? शिवाजी कहता है, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी कहता है, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए, मेरे पिताजी आपके सेना में सिपाही थे, सिपाही यानी सैनिक थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।
बच्चों यहाँ मुहारा है प्राण न्योछावर करना, यानी जीवन समर्पित करना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए, उस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। बच्चों दूभर यानि मुश्किल हो गया, कठिन हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक इसी समय आपकी आंखें खुल गई। बच्चों यहाँ वध करना यानि होता है हत्या करना यानि मारना। तो मैं तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक एकाएक इसी समय आपकी आंखें जो है वो आंखें खुल गई। तो बच्चों यह प्रश्न होता है कि मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया था। मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया था? तो मालव जी के पिताजी शिवाजी की सेना में सैनिक थे और सेना में लड़ते लड़ते मर गए थे। पिताजी के मरने के बाद उसे और उसकी माँ को खाना मिलना मुश्किल हो गया था। शिवाजी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। एक सैनिक ने उसे शिवाजी का खून करने के बदले में उसे क्या दिया था? खून करने के बदले में धन की लालच में मालव जी जो है वो मालव जी धन की लालच में पड़ गया। यानी एक सैनिक ने उसे शिवाजी का खून करने के बदले में क्या देने के लिए कहा था? धन देने की बात कही थी। धन की लालच में आकर मालव जी जो है वो मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए थे। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं कि मालव जी के पिताजी जो है वो शिवाजी की सेना में सिपाही थे और सेना में लड़ते लड़ते वह मर गए थे। पिताजी के मरने के बाद उसे और उसकी माँ को खाना मिलना मुश्किल हो गया था और शिवाजी ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया था। इसी विचार में खो गया था। इसी समय एक सैनिक जो है वो सैनिक उसके पास आता है और उसे कहता है, अगर तुम शिवाजी का खून कर दोगे तो मैं बदले में बहुत सारा तुम्हें धन दूंगा। धन की लालच में आकर मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। और बच्चों इसी प्रकार भी प्रश्न होता है, मालव जी शिवाजी का वध करने को तो कौन से कारण बताता है? तो पहला कारण बताता है कि उसके पिताजी युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, उसके परिवार की जिम्मेदारी शिवाजी ने नहीं उठाई थी। पहला कारण क्या बताते हैं? तो उसके पिताजी जो है युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे और उसके परिवार की जिम्मेदारी शिवाजी ने नहीं उठाई थी। और दूसरा जो है वो दूसरा कारण है कि एक सैनिक ने शिवाजी का वध करने पर उसे धन देने की लालच दी थी, जिसकी वजह से वो मारने के लिए तैयार हो गए थे। यह 2 कारण बताए थे। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कष्ट यानि दुख। शिवाजी कह रहा है मालव जी से कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी कहता है, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य था।
कर्तव्य यानी फर्ज था। माधव जी महाराज से क्या कहता है कि मेरे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा करते करते अपने प्राण गंवा दिए थे यानी वह मर गए थे, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका फर्ज था। बालक के निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी क्या करता है, बालक की यह निडरता देखकर मन ही मन क्या करता है, सराहता है। और सराहते हुए कहता है दिखावटी रोष से, शिवाजी तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी जो है वो शिवाजी सेनानायक को क्या कहता है, तानाजी से, कि इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, मृत्युदंड के पहले मैं अपने से एक बात की भीख मांग रहा हूँ। शिवाजी कहता है वह क्या है, मालव जी कहता है मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी क्या कहता है कि मरने के पहले मैं अपने पूजनीय माता जी है, इस माता जी को मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहता है यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो, शिवाजी के मन में प्रश्न होता है यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो, मालव जी कहता है मैं एक वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौटाऊँगा। मालव जी क्या कहता है शिवाजी से कि मैं एक वीर पुत्र हूँ, मैं झूठ कभी भी नहीं बोलता हूँ, मृत्यु से बचना नहीं चाहता हूँ, झूठ बोलकर मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके मैं अवश्य जल्दी लौटाऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए अच्छा जाओ यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी बालक की वीरता को मन ही मन सराहता है और कहता है अच्छा जाओ यही देखना है। और उसके बाद मालव जी अपनी माता जी को मिलने के लिए वहाँ से जाता है। अच्छा यहाँ प्रश्न होता है कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए थे, तो कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए थे क्योंकि मालव जी कैसा था, वीर पुत्र था, वह भीख नहीं मांगता था। मालव जी मानते थे कि जिस शहीद के पत्नी का हाल चाल पूछने का और पालन पोषण के लिए खुद शिवाजी को यहाँ आना चाहिए, यह सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए थे। और यहाँ बच्चों दूसरा प्रश्न है कि मालव जी किसका दर्शन करना चाहते थे, तो मालव जी अपने पूजनीय माता जी का दर्शन करना चाहते थे। मालव जी ने शिवाजी से क्या कहा, तो मालव जी ने शिवाजी से कहा कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके मैं जल्दी ही यहाँ लौटूँगा। आगे शिवाजी ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। शिवाजी सोच रहा है ओह इस बालक में तो वीरता जो है कूट कूट कर भरी हुई है, साथ में यह माता जी का भी भक्त लग रहा है। ऐसे ही बालक जो है वो ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है, तानाजी कहता है महाराज आप क्या कहती है, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध था। मुग्ध यानि मोहित होना। तानाजी शिवाजी से कह रहा है आप क्या कहते हैं, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मोहित हो गया हूँ। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा। शिवाजी तानाजी से कहता है कि तुम जानते हो इस बालक के साथ मैं क्या व्यवहार करूँगा। शिवाजी कहता है मैं उसकी परीक्षा लेने के पश्चात, तानाजी कहता है नहीं महाराज
इसी समय शिवाजी कहता है, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी क्या कहता है तानाजी से कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा और परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती कर दूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक जो है वो बालक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बच्चों यहाँ प्रश्न है कि शिवाजी ने माधव जी के बारे में तानाजी से क्या कहा। तो शिवाजी ने माधव जी के बारे में तानाजी से कहा कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपने सेना में भर्ती करूँगा। मुझे विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा करने में यह बालक जो है कोई भी कसर नहीं करेगा यानी नहीं रखेगा। तानाजी धातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी क्या कहता है, धातक यानी वध करने के साथ इतनी दया है आपको धन्य है। शिवाजी कहता है, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। शिवाजी क्या कहता है, तानाजी से मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है, आज तुमने हमारी जान बचाई इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। मारने वाले से बचाने वाला कैसा होता है, तो मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, दास यानी सेवक हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, उसमें आभारी होने की क्या बात है। तानाजी महाराज से शिवाजी से कहता है, आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, स्वामी की रक्षा करना सेवक का कर्तव्य फर्ज है, उसमें आभारी होने की क्या बात है। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है, दास का कर्तव्य क्या है, तो स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसे सेनानायक पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, विश्राम यानी आराम। शिवाजी क्या कहता है तानाजी से कि तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसे सेनानायकों पर भारत माता जो है वो गर्व करती है, अच्छा थोड़ी देर के लिए आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है और जो आज्ञा महाराज ऐसा कहकर प्रस्थान करता है। तो बच्चों हमने जो यह मालव जी खुददार इस एकांकी में पहला जो दृश्य है शिवाजी का शयन खंड का, उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और सभी प्रश्न की जानकारी भी ले ली। तो बच्चों इस प्रश्न पहला दृश्य पढ़ना और सभी प्रश्न तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।